एवं बागवानी क्षेत्र की ये महत्वपूर्ण वर्चुअल एक्सपो की आयोजन के लिए सिक्किम राज्य की ओर से और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पीयूष तामंग जी से आयोजकों को ढेर सारे बधाइयां एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रकृति के सबसे गुणवान प्रजातियों में से एक बांस की उपयोगिता की अद्भुत क्षमता पर हम चिंतन कर रहे हैं। बांस की प्रयोग और सृजनशील गुण को विस्तार करने के लिए आवश्यक पहल करने की सख्त जरूरत है। सिक्किम मूलत कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की अधिकतम जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। कंचनजंगा हिमालय की गोद में अवस्थित सिक्किम राज्य के लोग ने भौगोलिक कठिनाई के बावजूद कृषि को अपने आजीविका के लिए अपनाया है। यहाँ खेती योग्य जमीन कम होने के कारण राज्य में छोटे और मझोले किसानों की उत्पादन पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। सिक्किम राज्य के लोगों की बांस के ऊपर निर्भरता और संबंध बहुत ही गहरा है। आमतौर पर ग्रामीण इलाके के लोग अपना मकान बनाने के लेकर कैटल शेड हो या पहाड़ की झरना बीच पुल बनाना हो, फार्मलैंड फेंसिंग की काम हो या पशुओं की फोडर उपलब्ध करवाना हो, हर कहीं बांस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग यंग बैम्बो सूट को सब्जी और आचार के रूप में खाते हैं। कई लोगों ने इसके उद्यम के रूप में अपनाई भी है। केंद्र सरकार से सहयोग का अपेक्षा करते हैं। सिक्किम राज्य को भी बांस उद्योग में उभर कर युवाओं को उद्यमी बनाने की अवसर प्राप्त हो। जैव विविधता के लिए अमीर राज्य सिक्किम में अनेकों प्रजातियों के बांस उपलब्ध हैं। जरूरी है तो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत को नई तकनीकी से जोड़कर बाजार में बांस की सृजनात्मक उत्पादन का विकास करना, ताकि देश और विश्व बाजार में यहाँ के बांस के उत्पाद का बिक्री कर सकें। आखिर में बांस के उन्नति और विकास के समर्पित ये महत्वपूर्ण दो दिवसीय कार्यक्रम की आयोजन के लिए नॉर्थ ईस्टर्न बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल अंडर NEC, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और केंद्र सरकार के सामने सिक्किम में किसान, कारीगरों, उद्यमी और सभी लोगों को बांस उद्योग के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए प्रस्तावित बैम्बू कॉरिडोर के निर्माण को अनुमोदन प्रदान करने की मांग करता हूँ। इसके अंतर्गत कई बैम्बू प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण और मार्केटिंग के अंतर्गत विपणन विस्तार की सुविधा भी उपलब्ध कराने की जरूरी मांग पूरा करने के लिए अनुरोध करता हूँ। माननीय सुरेश प्रभु जी को फिर एक बार अपने समय के लिए धन्यवाद देते हुए सिक्किम में बांस उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास में केंद्र सरकार से सहयोग सुनिश्चित करने की सविनय आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। जय किसान, जय सिक्किम, जय हिंद।